हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बनाने जा रहा हूँ खट्टे अंगूर के जूस, यानी सॉर ग्रेप जूस। सो एक्चुअली हुआ क्या, कल मैंने बाय मिस्टेक ये खट्टे अंगूर लिया है। अब ये खट्टे अंगूर का को वेस्ट तो करना है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना जूस बनाया जाए। तो इस खट्टे अंगूर की जो जूस बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो डोंट वरी, जो खट्टा अंगूर है उसे आप फेंके ना, उसका जूस बनाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं खट्टे अंगूर की जूस बनाना। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अंगूर को अच्छे से धो लिया है, अब मैं इसे बॉईल करूँगा। तो बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पे वाटर डाल रहा हूँ। तो आपको वाटर उतना डालना है कि अंगूर उसमें अच्छे से डूब जाए। तो मैं अब इसमें अंगूर मिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी से 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगा। फ्रेंड्स, मैं इसे कवर कर रहा हूँ और आपको मीडियम फ्लेम रखना है। यहाँ पर अंगूर अब बॉईल हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़े से मसाले मिक्स करूँगा। तो मैं इसमें चाट मसाला मिक्स कर रहा हूँ और 4 स्पून मैं इसमें शुगर मिक्स करूँगा। और ज़रा सा साल्ट मिक्स करूँगा और इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगा। ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो अंगूर गल जाएंगे। ऑलरेडी अंगूर थोड़े थोड़े मतलब कवर बाहर आने लगे हैं, तो थोड़े देर के लिए कवर करके रखना है, जिससे कि जो भी शुगर मैंने मिक्स किया है और जो मसाले मिक्स किए हैं वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं यहाँ पे अब स्टोव ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि 30 मिनट हो चुके हैं और इसे मैं अब ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगा। तो स्टोव ऑफ करते हैं और हम लोग इसे ठंडा होने तक का वेट करेंगे। यहाँ पर ठंडे हो गए हैं, अब इसे मैं अच्छे से छान लेता हूँ। मैंने ब्लेंडर में ग्रेप्स डाल दिए हैं, अब मैं इसे ब्लेंड करूँगा। यहाँ पे ग्रेप जूस रेडी है, अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे सर्व करता हूँ। इसके लिए आइस क्यूब हमें लेना होगा और अब मैं इसमें ग्रेप जूस पोर करूँगा। तो फ्रेंड्स, जरूर बताना कैसी लगी ये रेसिपी, और प्लीज डोंट वेस्ट खट्टे ग्रेप। सो आई थिंक ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। प्लीज राइट मी इन कमेंट। फिर मिलते हैं, बाय, सी अगेन।